JEE Physics Paper 7th Jan 2020 Shift 1 Question Number 17. 3 point particle of mass 1 kg, 1.5 kg, 2.5 kg are placed at 3 corner of a right angle triangle of a side 4 cm, 3 cm and 5 cm. As shown in figure, the center of mass of the system is at a point. ओके तो अपने को सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है. ऑप्शन देखते हैं कहाँ से फाइंड करना है. देखो 1 केजी से पूछा है यानी रेफरेंस अपने को क्या लेना है 1 केजी. यानी हम ओरिजिन किसको कंसीडर कर ले 1 केजी को ओरिजिन कंसीडर कर लेता हूँ. ये मेरा 0.0 हो गया और ये मेरा एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और ऊपर वाला अपना वाई एक्सिस. अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3.0 राइट. और ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0.4. ये 4 सेंटीमीटर है ये 3 सेंटीमीटर है तो ये 3.0 हो जाएगा ये 0.4 हो जाएगा. अब अपने को सेंटर ऑफ मास फाइंड करना इन तीनों पार्टिकल का राइट. तीनों पार्टिकल ट्रायंगल के कॉर्नर के ऊपर है. तीनों पार्टिकल का मास गिवन है ओके. तो सेंटर ऑफ मास में कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट. तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंटर ऑफ मास का एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम थ्री एक्स थ्री बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री. ये होगा अपना कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा ओके. एम वन क्या है 1 के जी, एक्स वन क्या है 0, एम टू क्या है 1.5 के जी, एक्स टू क्या है 3 ओके, एम थ्री क्या है 2.5 और एक्स थ्री क्या है 0. ये हो जाएगा 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5 टोटल मास. तो ये क्या आ जाएगा 4.5 ये दोनों 0 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 2.5345 ओके यानी आ जाएगा 0.9 सेंटीमीटर. ये आ गया अपना एक्स कोऑर्डिनेट राइट ओके. अब अपने को फाइंड करना है वाई कोऑर्डिनेट. वैसे अपना आंसर आ चुका है क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट एक ही मैच कर रहा है आंसर 2 होगा. वैसे अपन वाई कोऑर्डिनेट भी फाइंड कर सकते हैं. वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा वाई सी ओ एम इज इक्वल टू एम वन वाई वन प्लस एम टू वाई टू प्लस एम थ्री वाई थ्री बाई एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री ओके. एम वन 1 के जी 0, 1.5 0, 2.5 4 बाई 1 प्लस 1.5 प्लस 2.5 इंटू 4 कितना होगा 2.5 इंटू 4 यानी 10 राइट. और ये कितना 5 यानी आ जाएगा अपना 2 सेंटीमीटर. यानी आंसर क्या होगा सेकंड 0.9 सेंटीमीटर फ्रॉम सेंटीमीटर राइट एंड 2 सेंटीमीटर अबव 1 के जी मास. यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आ गया यानी सेंटर ऑफ मास आ गया 0.9.2.